जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई इनसो के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में करनाल के सेवा समिति आश्रम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर पौधारोपण अभियान का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की एवं रक्तदाताओं का भी हौसला अफजाई की। इस अवसर पर उन्होंने सेवा समिति के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। यहां हम आपको बता दें कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस को 18 साल हो चुके हैं, जिसके चलते पूरे प्रदेश में इनसो द्वारा रक्तदान शिविर व पौधारोपण कर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज के इस अवसर पर बड़ी संख्या में इनसो के युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया एवं समाज में भाईचारे का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में इनसो के जिलाध्यक्ष राहुल तोमर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में इनसो के स्थापना दिवस पर इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जननायक जनता पार्टी की कार्यकारिणी का प्रदेश स्तर पर गठन किया जाएगा, जिसमें निष्ठावान कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को हिंदुओं की निष्ठा का प्रतीक बताया और कहा कि मंदिर के निर्माण में हर व्यक्ति को अपना सहयोग देकर भूमिका निभानी चाहिए। बड़ौदा चुनाव में उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त तत्वाधान में यह चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें निःसंदेह गठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी। इस मौके पर मीडिया प्रभारी जननायक जनता पार्टी जसकरण राणा, जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह, श्री सेवा समिति के प्रधान राजेंद्र मदान मौजूद रहे। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि सरदार निशान सिंह कमोज पहुंच चुके हैं, वो उन सभी साथियों को सम्मानित करेंगे। इनसो का 18वां स्थापना दिवस है कल 5 अगस्त को, और ये इनसो का पौधा चौधरी देवीलाल जी के विचारों से प्रभावित होकर के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने 17 वर्ष पूर्व लगाया था। हमें गर्व है हमारे इन छात्र संगठन के जवानों के ऊपर, दिग्विजय चौटाला जी के ऊपर जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनसो के, जिन्होंने छात्रों की समस्याओं को लेकर के हर वक्त तत्पर रहे, उनकी समस्याओं को का निदान करने के लिए, उनको उससे सहूलत दिलवाने के लिए आमरण अनशन पे भी बैठे, और जहाँ तक सोशल एक्टिविटी की बात है वो हमारी पार्टी का पहला ध्येय है कि हम राजनीतिक बाद में हैं, पॉलिटिकल बाद में हैं, पहले हम एक साझे विचारों को लेकर के, सोशल विचारों को लेकर के, समाज सेवा को लेकर के काम करते हैं। और इसी तरीके हमारा जो छात्र संगठन है, आज उन्होंने एक दिन पूर्व 4 अगस्त को जैसे पौधारोपण किया और सबसे बड़ी सेवा जो है ब्लड डोनेट करने की, वो खूनदान कैंप पूरे हरियाणा भर में आज लगाए गए, और पूरे हरियाणा भर में कल सैनिटाइजेशन का काम भी दिग्विजय चौटाला जी के नेतृत्व में हमारा ये संगठन करेगा। गांव में, शहर में आज जो ज़रूरत मानी जाती है सैनिटाइज करने का काम करेंगे। तो गैदरिंग ना करके, जैसी आज का माहौल है कोविड-19 की वजह से, कि ज़्यादा लोगों को इकट्ठे ना करके, क्योंकि हम पहले पब्लिक मीटिंग करते थे, रैलियां करते थे इस दिन के ऊपर, और चौधरी देवीलाल के विचारों को लेकर के आगे बढ़ते थे। इस बार वो नहीं हो पा रहा, लेकिन इस बार हमने ये फैसला किया कि पौधारोपण किया जाए, खूनदान कैंप लगाए जाएँ, और चौधरी देवीलाल जी की याद को ताज़ा किया जाए, सोशल एक्टिविटी पूरे हरियाणा भर में हो इनसो की तरफ से, आज उसी बात का ये आयोजन। सर, ओम प्रकाश चौटाला का बयान आया है कि मुझे तो दादा मानकर जो छोड़कर चले गए थे, तो रामकुमार गौतम को दादा मानने लगे और रामकुमार गौतम भी उन्हें छोड़कर चले गए। रामकुमार गौतम कहीं छोड़कर के नहीं गए, वो हमारे विधायक, और जहाँ तक चौटाला साहब की बात है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी बात का हम बुरा नहीं मानते कुछ भी कहें, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि इतने बड़े मजे हुए पॉलिटिशियन को, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके पोत्र हैं दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, और मेरा ख्याल उनको इन सारी चीज़ों को सोच के बयान देने को, दादा तो दादा ही रहेंगे, वो तो कोई उस चीज़ को तो उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। और उसी तरीके से दुष्यंत जी और दिग्विजय, उनका आदर भी करते हैं,
राम कुमार गौतम जी हमारे साथ हैं, कहीं नहीं गए कोई। सर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या देखते हैं, जेजेपी लड़ेगी या बीजेपी लड़ेगी, क्योंकि दिग्विजय चौटाला लगातार वहां पर दौरे कर रहे हैं, क्या तो वही चुनाव लड़ लें इस बार? दिग्विजय चौटाला जी की बात के ऊपर विराम पहले से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने लगा दिया था कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और यहाँ से चुनाव तो गठबंधन का मामला है, गठबंधन दोनों दल बैठ करके बात करेंगे और जो भी फैसला होगा उसके ऊपर दोनों दल मिल करके लड़ेंगे, और वहाँ जाने का जो मकसद है वो तो हमारी एक दायित्व एक जिम्मेवारी है। हम तो पूरे हरियाणा भर में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी हों, जननायक जनता पार्टी के साथी हों, वो सारे हरियाणा भर में जाते हैं और उसी कड़ी में बड़ौदा में जाते हैं। चुनाव है इसमें कोई दोराय नहीं, और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। एक आखिरी सवाल सर, अभय सिंह चौटाला का कल या परसों ही बयान आया कि जेजेपी कांग्रेस बीजेपी सब मिलकर इस समय राजनीति कर रही हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो उनके गुनाहों को छुपा लेते हैं। कई बार खाली समय होता है साथियों के पास, खाली समय में कुछ भी कहा जा सकता है। हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी है, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को लेके चले हैं, और चौधरी देवीलाल जी ने अपने समय में मुख्यमंत्री रहते हुए, उप प्रधानमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका अलायंस रहा, और आज भी हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है, उन विचारों को लेकर के राजनीति करते हैं। कांग्रेस की राजनीति से हमारा कुछ लेना देना नहीं। तो अभय चौटाला बिल्कुल खाली हैं आपके हिसाब से? देखिए, मैंने कहा कई बार हमारा खाली टाइम होता उसमें हम कुछ भी कह देते, मैं नहीं कहता वो खाली हैं क्या हैं, लेकिन अनर्गल कोई बात जो है ना शायद लोगों को अच्छी ना लगे। शुक्रिया सर। आप करनालवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज हमारा पूरा देश प्रदेश कोविड-19 के इस महामारी के दौर से निकल रहा है, हम सभी मिलकर के इस महामारी का मुकाबला करें और उसके लिए जो नॉर्म हैं उनको फॉलो करने का काम करें ताकि हमारा देश प्रदेश आगे बढ़ सके, इस बीमारी से निजात मिले, और जो कारोबार ठप हुए हैं वो सारे कारोबार दोबारा से भगवान की कृपा से शुरू हों। पूरे प्रदेश में किए जा रहे हैं, और इंसो के पिछले जो कार्यक्रम रहे हैं 17 वर्ष के, उनके लिए इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी और उनकी पूरी टीम को, हमारे छात्र संगठन को बधाई दूंगा, और भगवान उनको और सक्षम करे आने वाले समय के अंदर चौधरी देवीलाल के विचारों को लेकर के आगे बढ़ सकें, प्रांत के लोगों के, देश के लोगों की सेवा कर सकें। सर जेजेपी अपना संगठन कब बना रहे हैं? बहुत जल्दी सर, कल भूमि पूजन है राम मंदिर अयोध्या में, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं किस तरह की जिम्मेदारी छोड़ रही है, क्या संदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं? देखिए, अच्छी बात है, भूमि पूजन जो हो रहा है वहाँ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उसका राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम तो जितने भी हमारे ये राम जी हों, हनुमान जी हों, गुरु गोविंद सिंह जी हों, हम उनके लिए याद ताज़ा कर रखने के लिए उनके संस्थान बनाते हैं और उनके दिए हुए उपदेश पे चलने का काम करते हैं। बधाई दूंगा सबको। इंसो की तरफ से भाई दिग्विजय जी ने हमारे यहाँ इंसो करनाल की ड्यूटी लगाई थी, और ये इंसो पिछले 17 सालों से पूरे प्रदेश में सोशल का काम करते आ रही है, जहां आज हमारा पौधारोपण का काम था सुबह 9 से 12 का, और अब ब्लड डोनेशन का काम है जो कोविड-19 में भी हमारे देश के लिए काम आएगा और हरियाणा वासियों के लिए काम आएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.